तो गाइस अभी हम सूरज भाई की इक्विपमेंट चलाने वाले हैं, ठीक है, बैठ के थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। पोजीशन अपराइट है, ठीक है, कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह। अब ये लंबे हैं तो मुझे सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये क्या है, क्लच लाइट है? हाँ भैया, और लग रहा है। नहीं नहीं, जो BS4 चलाई थी ना, वो मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी थी, उसकी क्लच बहुत ज्यादा टाइट थी। इसकी क्लच लाइट है और इसका ट्रैवल भी कम है। हाँ, परफेक्ट मैन। बेल्ट पहन लेते हैं। और ये देखिए जो बकल है ना, आपको डिफरेंस नजर आएगा निक्सॉन और इसमें। जो बकल है उसकी क्वालिटी देखना। ये मत कहना यार मेरे पास निक्सॉन है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, वो चीजें बता रहा हूँ जो मुझे डिफरेंस लग रहा है। बहुत सी कहेंगे अरे तेरे पास निक्सॉन है तो बोल रहा है। क्लच तो मैंने बता दिया, इसका क्लच बहुत स्मूथ है। इसका क्लच जो क्लस्टर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, निक्सॉन से फार बेटर है। अगर ये 20 है तो निक्सॉन 12-13 भी नहीं है। जो डिजिटल उसका ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है निक्सॉन का। BS4 में जो एनालॉग आता था, हाँ, वो काफी अच्छा, वो काफी अच्छा लगता था। इससे कम था लेकिन डिजिटल से तो अब वो बेटर था, ये तो बहुत बेटर है। काश मेरे पास ऐसा मौका मिलता था ये लगा लूँ मैं। सिंपल एंड सोबर। तो हम मैंने बता दिया क्लच इसका लाइट हो गया, ट्रैवल कम है। अब इसका जो गियर है वो देख लेते हैं कितना स्मूथ है क्या है, ठीक है। ये लगा लिया फर्स्ट गियर हमने, वो डाउन कर लिया है। मैंने एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं दे रखा है, ये घागा घागा की आवाज कर कह रहे कि वो कर लो। एक्सीलेटर की जरूरत ही नहीं है यार। गियर थोड़े हार्ड है, मुझे लगता थोड़ा टाइम लगेगा इसको। अब नहीं है ना? हाँ नहीं है तो थोड़े से हार्ड गियर हैं इसके। ऐसा अटक नहीं रहे लेकिन हार्ड है, और ये चलने के बाद ही स्मूथ हो जाएगा। इसमें कोई कोई मोड आता है, स्पोर्ट मोड इसकी तरह कुछ नहीं आता ना? नहीं, नॉर्मल तो, इसी पे चलती है। देखिए जो सस्पेंशन जो स्टिफ होते हैं उसका ये फायदा है, जो बड़े बड़े बम्प है ना फील नहीं होता आपको। देखा मैंने जो बोला था ना वही है इसका। थर्ड और फोर्थ में ना मेरे इसमें आप चला के देखो ना, उसको दबाइएगा, आपको बिल्कुल टर्बो किक होता ना आपको पता चल जाएगा। अब इसमें क्या है ना, लीनियरली चलती है। हाँ, बोनट दिख रहा है? बोनट नहीं दिख रहा, इतना छोटा हूँ वैसे, बोनट कहाँ दिखेगा मुझे, ठीक है। लेकिन जब आप थर्ड फोर्थ पे चलते हो ना, सेकेंड पे डिफरेंस आपको लगेगा। ये तो आप जब चलाओगे ना तो आपको थोड़ा गियर हार्ड है, थोड़े क्लच इन्होंने बहुत सॉफ्ट कर दिया है, वहाँ पे कॉम्पेंसेट हो गया, लेकिन इसका गियर अभी हार्ड है। मुझे लग रहा है टाइम के साथ साथ चेंज होगा। जब निक्सॉन मैंने ली थी नहीं तो उसके भी इतने हार्ड नहीं थे, लेकिन वो जैसे कभी कभी अटकता है ना, ये ऐसा नहीं है इसमें, ये अटकता नहीं है। लेकिन इसको बस चलने की, कोई भी नई चीज़ होती है तो अपना खांचा वगैरह जो स्लॉट बनाने के लिए टाइम लेता है, तो जैसे जैसे चलते रहेगा ना इसके गियर स्मूथ हो जाएंगे, ये तो 100% श्योर है। देखो थर्ड पे है ना, धीरे धीरे उठा रही है। हाँ, अब एक काम करते हैं, इसको दोबारा उठा के देखता हूँ फर्स्ट गियर में। अब हमने स्टिल कर लिया गाड़ी, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ इसको फर्स्ट गियर। अब मैंने ये क्लच छोड़ा, ये देखिए पहले से वो जो है ना एक्सेलरेशन करना शुरू कर देता है खुद ही, तो उसकी वजह से आपको लैग, इनिशियल लैग नहीं मिलता। उसको लेफ्ट लेना है, राइट थोड़ी जा सकते हैं। कैसी बात कर रहा है यार विनोद, पागल हो गया तू? बहुत को तो मेरा नाम भी नहीं पता। कहते कह रहे भैया रिडिकुलसली अमेजिंग। मैंने कहा भाई विनोद हाँ स्टिफ तो वो तो पता ही है कि स्टिफ है, सबको ही पता है। तो डिंग आवाज आ रही है ना सीधा। एक बार इस ट्रैक है, टेस्ट ट्रैक। देखिए अभी सेकंड पे लगा पड़ा है, मैंने एक्सेलरेशन छोड़ रखा, वो चलता रहेगा। जबकि RPM 1 से नीचे ही है,
लेकिन कुछ तो बात है जो पहले खींच लेता है ये रोड एक्चुअली थोड़ी रेडिकुलस है बट जो लेकिन अमेजिंग नहीं है वो अमेजिंग आपको लगेगी जब ये गाड़ी उसके ऊपर से जाएगी अच्छा तब वो रेडिकुलसली अमेजिंग हो जाएगी इसका ट्रैवल बहुत कम है यार बहुत छोटा ट्रैवल है इतना चाहे उसमें क्या है कि मुझे पूरा दबाना पड़ता है निक्सॉन में और हमने वो भी चलाई थी जब मैंने सोनेट उसमें भी लंबा है इसमें छोटा सा ट्रैवल है बस बहुत छोटा ट्रैवल है ये बस वही है कि देखते हैं हार्ड होता है क्या विद टाइम या हाँ नहीं एक्चुअली थोड़ा हार्ड तो जैसे जैसे क्लच आपके वेयर आउट होता है ना हाँ थोड़े बहुत हार्ड आगे ले लो राइट सीधा कितना सीधा ले जाएगा भाई पानी भी थे यहाँ गाड़ी धो लेते तो बहुत अच्छा चलेगा ना इसी के लिए तो बना हुआ है इसी रोड के लिए बना हुआ है जो बड़े बम्प होंगे ना यहाँ से ले लूं जो बड़े बम्प बने हुए है ना उसमें बहुत प्यार से चलेगी ये गाड़ी जब छोटे बम्प है ना उसमें खड़खड़ रहेगी भाई इसने तो खतरनाक रोड चूज करके रखा था सपने में आया था क्या रोड अच्छा रोड इसी रोड से और इसके लाइट वगैरह इंडिकेटर के जो बटन्स है ना वो भी स्मूथ हैं सॉफ्ट हैं बड़े अच्छी तरह लगते हैं ये देखिए इट्स गुड अच्छी फीलिंग है कि निक्सॉन में ऐसा नहीं है थोड़ा सा मतलब वो फील आती है कि ढंग से फिनिश नहीं हुआ है निक्सॉन में ये फील होता है और साउंड सिस्टम और चेक कर लेते भी आप हाँ चलो लेट्स चेक द साउंड सिस्टम गाना लगा देते हैं तो अभी हम एंड्रॉयड ऑटो यूज़ देख चेक करने वाले इसमें और सूरज भाई ने एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर लिया इसका सिस्टम मुझे बहुत पसंद है यार बहुत फ्लूड है 8 है भैया 80 है 9 वो दूसरे वेरिएंट में आते हैं देखिए इसका गाना चला रहे हैं तो उससे एक आइडिया आ जाएगा कि इसका जो सिस्टम है वो कैसा है गाइस तो यही था एक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस अब आप बहुत सारे लोग का सवाल ये होगा मुझे पता है कि बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि निक्सॉन लेना चाहिए डीजल में या पेट्रोल में या फिर इकोस्पोर्ट लेना चाहिए डीजल में पेट्रोल में तो मैं कहूँगा कि दोनों गाड़ियों का जैसे पहले भी मैंने बोला दोनों गाड़ी का ऑरा बहुत डिफरेंट है दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एक कोई पर्टिकुलर गाड़ी अभी तक शायद किसी मैन्युफैक्चरर ने नहीं बनाई है जो परफेक्ट होगी ठीक है तो अब बात करते हैं निक्सॉन के बारे में निक्सॉन की सर्विसेज डेफिनेटली इज नॉट एट पार फोर्ड की सर्विसेज आपको अच्छी मिलेंगी अगर आपको सर्विस का कंसर्न है जहाँ तक अब गाड़ी की बात करते हैं फोर्ड जो इको स्पोर्ट है उसमें आपको 5 गियर मिलता है अगर पेपर की बात करें तो इसका जो BHP है जो टॉर्क है वो भी निक्सॉन से कम है लेकिन इनका इंजन ऐसे ट्यून्ड है कि आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा अब निक्सॉन में जैसे बोला था हाँ इंजन वगैरह इसमें 6 गियर मिलते हैं और पेपर में जो इसका पावर है जो इसका टॉर्क है वो इको स्पोर्ट से ज़्यादा है अब जब तक हम अगर हम बात करें ड्राइविंग की तो जो इको स्पोर्ट है जो इनिशियल गियर्स हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड गियर इनिशियल गियर में जो लैग होता है ना वो बहुत कम मिलेगा आपको इको स्पोर्ट में और अगर आप बात करें निक्सॉन में थोड़ा सा इको स्पोर्ट से ज़्यादा लैग मिलेगा आपको फर्स्ट एंड सेकंड गियर लो गियर्स में लेकिन जैसे ही थर्ड एंड फोर्थ एंड अप गियर की बात करते हैं जो निक्सॉन है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है इको स्पोर्ट का लीनियर रहता है तो ये डिफरेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसके अलावा जो लुक है वो सब्जेक्टिव है और इसके अलावा बात करें कंफर्टेबल कौन सी गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है निक्सॉन ज़्यादा कंफर्टेबल है थोड़ी सी ज़्यादा वाइड भी है वो मिलीमीटर में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन जो सीट की कुशनिंग है ना वो निक्सॉन में अच्छी है तो इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होती है और डैशबोर्ड में MID की बात करें निक्सॉन से लाख गुना बेटर है इको स्पोर्ट का जो MID है और उसके अलावा जो सिस्टम की बात करें
निक्सॉन का जो साउंड क्वालिटी है ना वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो डिस्प्ले का टच वगैरह है बहुत ही बेकार है। अगर आप इको स्पोर्ट से कंपेयर करोगे तो इको स्पोर्ट आपको लगेगा एप्पल का टच स्क्रीन लगेगा, और जो निक्सॉन लगेगा आपको किसी एमआई का टच स्क्रीन लगेगा, मतलब इतना डिफरेंस है। लेकिन साउंड क्वालिटी दोनों में बेटर है, निक्सॉन में शायद 20 हो सकता है और इको स्पोर्ट में 19 हो सकता है, सिमिलर है लगभग, लेकिन जो टच की क्वालिटी है ना वो निक्सॉन से फार फार बेटर है। और अब जो नया इको स्पोर्ट पे इन्होंने टायर पीछे का जो स्टेपनी गायब कर दिया है, शायद बहुत लोगों के लिए वो डील ब्रेकर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ये सब डिफरेंसेस हैं, इनको एनालिसिस कीजिएगा और जो आपके रिक्वायरमेंट है वो भी चेक कीजिएगा। और लास्ट, इको स्पोर्ट हर कोई कहता है जो फोर्ड की जो क्वालिटी होती है, बिल्ड क्वालिटी होती है, सॉलिड होती है, ये मानते हैं उनकी गाड़ी सॉलिड होती है, लेकिन अभी तक जो इको स्पोर्ट है ना वो टेस्टेड नहीं है इंडिया के लिए। जहाँ पे अगर निक्सॉन की बात करें तो 5-star टेस्टेड रेटिंग है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं, इन्हीं को एक बार देख लीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, फिर गाड़ी चूज कीजिएगा। अगेन, दोनों ही गाड़ियाँ बेहतर हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं दोबारा आपसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।